हेलो, आप सभी को हैप्पी तीज। तो ये देखिए, तीज के लिए मैंने अपनी थालियाँ तैयार कर दी थी। तो यहाँ पे सारा श्रृंगार का चूड़ी, बिंदी, मिठाई, सिंदूर और ये बिछिया मैं हर साल चढ़ाती हूँ। और ये माता रानी की चुंदरी और ये बिंदी सिंदूर, और इधर ये देखिए बाती रख लिया हल्दी चावल, और इधर फल में केला, खीरा और फूल। तो बस मेरी थाली यहाँ पे सब तैयार हो गई थी, बस पूजा करने का समय अब होने ही वाला था। तो मैंने कहा चलो, और सुपारी भी रख लिया, गऊ भी बना के रख लिया था मैंने। तो बस यहाँ पर ये देखिए मैं तैयार हो गई थी, तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी क्लिप निकाल लेती हूँ। तो बस ये देखिए मैंने साड़ी पहन ली थी, तो ब्लाउज हमारा नहीं सिला था, ब्लाउज में किसी और का गोल्डन ब्लाउज पहनी थी, पर ठीक है चल रहा था, नया कपड़ा होना चाहिए, तो ठीक है हमने पहन लिया, तैयार हो गई थी। तो कैसी लग रही हूँ ज़रूर बताइएगा। तो बस अभी ये देखिए पूजा हमारी हो गई थी, तो क्योंकि मैंने ज़्यादा नहीं बनाया, तो आप लोग भी गौरा पार्वती के दर्शन कर लीजिए, बोलो शंकर पार्वती माता की जय। तो बस यहाँ पे मेरी पूजा हो गई थी, मैंने पूजा कर लिया था, दिया भी जला लिया था। तो बस यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्लिप निकाल रही थी, तो चलिए ठीक है आप लोग भी देख। बोलिए तीज माता की जय। और कैसे हैं आप सब लोग? आई हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बस अभी मैं सुबह सुबह उठ गई हूँ और बज रहे थे 4:30, और अभी समय है जो है 5। तो बस मैं बना रही हूँ माता रानी के लिए ये भोग, ये देखिए देसी घी की पूड़ी और थोड़ा सा हलवा बनाऊँगी। माता रानी को भी मतलब अपने हाथों से उनका पारण कराऊँगी जो है। तो बस यहाँ पे ये देखिए बना रही हूँ मैं देसी घी की पूड़ियाँ, और अभी थोड़ा सा हलवा भी बनाऊँगी। तो बस मैं नहा आ चुकी हूँ, मैंने कहा चलो थोड़ा सा ये प्रसाद बना देती हूँ, उसके बाद ही जो है क्या कहते हैं चाय वाय फिर खाना वाना बनाना शुरू करूँगी जो है मैं। तो बस यहाँ पर मेरी पूड़ी बन गई है, और उसके बाद देसी घी का हलवा बनाऊँगी, और फिर मैं बनाऊंगी खाने में आज मटर पनीर और ये चावल और रोटी बनाऊंगी। मैंने कहा पहले मैं प्रसाद चढ़ा देती हूँ, भगवान को भोग लगा देती हूँ। तो चलिए ठीक है बना लेते हैं, फिर मिलते हैं, क्योंकि मतलब सूरज ना निकले उसके पहले ही भगवान की पूजा कर ली जाती है। तो यहाँ पर ये देखिए, और ये बन रही है हमारी पूरी। तो बस यहाँ पर ये देखिए मैं देसी घी की पूड़ियाँ छोटी छोटी रोट वाली बना रही थी। हमने कहा चलो ये तो माता रानी को भोग लगाना है, और पहले माता रानी को पारण कराएंगे तभी तो हम भी खाएंगे। तो बस यहाँ पर ये देखिए मैं पूड़ियाँ मेरी बन गई थी, तो मैंने ज़्यादा नहीं बनाई थी देसी घी की, थोड़ी सी बस माता रानी को चढ़ाने के लिए, भोग लगाने के लिए बनाया था। तो यहाँ पर फिर मैंने उसके बाद पूड़ी बनाने के बाद इसमें मैंने फिर देसी घी डाला, और उसके बाद उसमें फिर आटे का हलवा बना रही थी। तो बस यहाँ पर ये देखिए आटे को मैं भून रही थी, क्योंकि आटा कच्चा ना रह जाए, और आटे को जब अच्छे तरीके से आप भून लेंगे ना तभी उसका हलवा अच्छा होता है, नहीं कच्चा रह जाता है तो अच्छा नहीं लगा करता है। तो बस यहाँ पर मैं सुबह सुबह जो है बस पूड़ी हलवा का उनको भोग लगाना था, तो इसीलिए मैं पहले सुबह ही पूड़ी और ये हलवा बना ली थी। तो बस यहाँ पे मेरा सूजी बन गया था, और फिर मैंने उसमें पानी डाला, पानी डालने के बाद फिर मैंने चीनी भी डाल दिया। तो बस थोड़ा सा ही प्रसाद के रूप में मैं बनाई थी। हमने कहा माता रानी पार्वती मैया भी तो कल निराजली व्रत रहती हैं, तो इसलिए पहले उनको पारण कराया जाता है, उसके बाद फिर स्वयं खुद अन्न ग्रहण किया जाता है। तो बस यहाँ पे मेरा जो है हलवा बन गया था, हलवा बनने के बाद फिर मैंने चढ़ा दिया था आपको, फिर मैंने नहीं दिखाया। तो पूजा करने के बाद और मैं भी थोड़ा सा प्रसादी खाने के बाद यहाँ पर ये देखिए मैं पनीर बना रही थी। तो पनीर तो मैंने कई बार शेयर किया है, लेकिन अब मैंने थोड़ा थोड़ा बस दिखाया है। तो यहाँ देखिए मेरा मसाला तैयार था, लहसुन प्याज अदरक का पेस्ट तैयार था, यहाँ मटर भी उबल रहा था, और यहाँ पे मेरी पनीर भी फ्राई हो रही थी। तो बस आज मैं यही बना रही थी, और कद्दू की सब्ज़ी सूखी में मैं कद्दू की सब्ज़ी बना रही थी, क्योंकि पनीर मेरे सास ससुर नहीं खाते हैं, तो उनके लिए मैं कद्दू बना रही थी, उन लोग पूरी से कद्दू ज़्यादा पसंद करते हैं। तो बस यहाँ पर ये देखिए मेरी कद्दू की सब्ज़ी भी बनने ही वाली थी, बस थोड़ा सा पानी था इसमें, तो मैंने कहा थोड़ा सोंधा हो जाए बस। तो बस आज यही सुबह हम
बारन में बना रहे थे मटर पनीर की सब्ज़ी कद्दू, और अपने हस्बैंड के लिए रोटी बनाऊंगी क्योंकि पहले उनको खिला करके तभी तो खाना है, इसीलिए मैं सुबह ही जल्दी सारा खाना बना रही थी ताकि उनको भी टिफ़िन लगा के दे दूँ तो वो आज हमारे ही हाथ का खाना खा लें, क्योंकि बिना जिनके लिए व्रत रहना है तो सबसे पहले उन्हें खिला दो फिर खुद खाओ। तो बस यहाँ पर ये देखिए मैंने अपनी मटर पनीर छौंक दी थी, तो बस यहाँ पर ये देखिए मैं हल्के हल्के चला रही थी, मैंने कहा थोड़ा सा ये चला दूँ नहीं नीचे लगने न लगे। तो बस यहाँ पर मेरी देखिए मटर पनीर की सब्ज़ी बन के तैयार हो गई थी, मैंने धनिया भी डाल दिया, यहाँ मेरी कद्दू भी बन के तैयार हो गया था। तो यहाँ मैंने अपने हस्बैंड के लिए रोटियाँ बनाई है, बाद में फिर मैं पूड़ी बनाई थी सबके लिए। तो बस यहाँ पर ये देखिए फिर मैं पूड़ी छान रही थी और अपने हस्बैंड को टिफ़िन लगा के मैंने दे दिया, उनको टिफ़िन में मटर पनीर की सब्ज़ी कद्दू की सब्ज़ी और जौ की दलिया और रोटी दिया था उनको, और थोड़ा सा हलवा पूड़ी उनको उनको भी मैंने खिला दिया था थोड़ा सा कि आप भी मजूठा कर लो। तो बस यहाँ पर ये देखिए मैं पूड़ी छान रही थी, तो और सब लोग पूड़ी ही खाएंगे तो बस सबके लिए मैं पूड़ी ही बना रही थी। तो बस ये रहा मेरा आज का खाना, ये मटर पनीर और रही कद्दू की सब्ज़ी, मैं आपको दिखा चुकी हूँ, मैंने कहा चलो मैं फिर से बना देती हूँ। तो यहाँ पर ये कद्दू आधा तो देखा आपने, मैंने अपने हस्बैंड को टिफिन में दिया था, तो बस यहाँ पर ये मैं पूड़ी छान रही थी, मैंने कहा चलिए आपको दिखा देती हूँ कि आज सुबह सुबह हमने पारन में सबके लिए क्या क्या बनाया। तो आज बहुत से लोग बहुत कुछ बनाते हैं, तो चलिए ठीक है आज भी पारन करिए, तो रखते हैं, बाय बाय। और चावल